हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 9 और हम अपनी राइड की शुरुआत करते हैं मथुरा से। अभी हम जा रहे हैं आगरा के लिए। तो दोस्तों, हमें जितना जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट करना था उतनी जल्दी नहीं स्टार्ट कर पाए, क्योंकि जितना हम लेट कर रहे हैं उतना ही धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मथुरा आगरा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, और अगर हम मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करते, मतलब लगभग 5-6 बजे स्टार्ट करते, तो हम वहाँ पहुँच जाते लगभग 2-2.5 घंटे में हम आगरा पहुँच जाते। तो गाइस, अभी अभी एक बंदा हमें ओवरटेक करके निकला है। आप जैसा कि आप सामने मेरे देख रहे होंगे, मेरे आगे है। तो ऐसे भी खतरों के खिलाड़ी हमें देखने को बहुत मिलते हैं रोडों पे। एक्चुअली गाइस, खतरों के खिलाड़ी का मेरा मतलब ये है कि ये जो बंदा जा रहा है, ना ही इसके पास में हेलमेट है और साथ में लेडीज़ बैठी हुई है, और जब इसने ओवरटेक किया है हमें तो इसकी स्पीड 90+ थी। अभी लगभग आप देख रहे होंगे कि 100 से ज़्यादा की स्पीड है और ये मुझसे आगे है। अब तो गाइस, इसको टाटा बाय बाय करते हैं और अपनी राइड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, आपने अभी पीछे एक खतरों के खिलाड़ी देखे थे, तो अभी नेक्स्ट आपको खतरों के खिलाड़ी देखने को मिल रहे होंगे। और इतने ट्रैफिक में ये 4 बंदे सामने बैठे हुए हैं। हाँ, एक बात तो मेरे को लगती है इसमें कि 4 बंदों के साथ में कभी चलान तो आपका होगा नहीं, क्योंकि चलान होता है 3 बंदों पे, 4 बंदों पे कहीं चलान नहीं है। तो गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं ताजमहल पे। आगरा में हम एंटर कर चुके हैं और अभी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए अभी रुके हुए हैं हम एक जगह। तो ये कोल्ड ड्रिंक पीने, किसी ने आपको पीनी है? देखो, हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक और हम उठा रहे हैं जिंदगी के मजे, और इन्हें लग रही है लूट। भाई साहब, हमारा उद्देश्य ये है कि मोटरसाइकिल पे बैठो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक मंजिल ना आ जाए, चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है। आपने देखा होगा मेरी उड़ीसा वाली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो हॉलीडे व्लॉग्स चैनल पे जाओ, वहाँ पर उड़ीसा वाली इसके पैसे वीडियो लेंगे। देखो, हमारे चैनल पर प्रमोशन कर रहे हो, हमारे पैसे चैनल लेंगे। पर प्रमोशन कर रहे हैं। चीयर हाँ जी। तो उड़ीसा वाली वीडियो देखो, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5 दिन तक बारिश ही रही थी, लेकिन मैंने राइडिंग करना नहीं छोड़ा। ठीक है, अब तुम बोलो आई लाइक बारिश या यू लाइक बारिश। बारिश में राइडिंग, बारिश में राइडिंग, राइड ठीक है। तो लेकिन मुझे फीवर भी था उस टाइम पे। ओह, पहले 2 से थे, फिर 3 पे आ गए। अभी तक 2 पहियों की गाड़ी पे थे, अब 3 पहियों की गाड़ी पे हो गए हैं। जैसे फिर हमें सतर पर वापस भी लेकर आओगे किसी ऐसे में? अब तो तुम्हारे लोग यहाँ किसी को जानते भी ना। हाँ, चलो रोड भी दिखा दूँ आपको क्या है ये। तो पीछे बैग वगैरह जमा कर दें हम, हेलमेट, खाली कैमरा लाना जी, मोबाइल कैमरा। तो अभी हम बैग वगैरह को वो कर दें अपना जमा। नहीं, हमारे पास में अभी फिलहाल 1-2-3 बैग यहाँ रखे हुए हैं।
ठीक है, और 3 हेल वेस्ट गेट के पास में आ चुके हैं ताजमहल के। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और अभी एंट्री का पता नहीं। तो गाइस आज वीकेंड है और तो लाइन इतनी लंबी लंबी लगी हुई है कि कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ पे टिकट के लिए खड़ा होना है वहाँ तो ना ही तो ऊपर कोई 3 सेट है ना ही कुछ है, और धूप इतनी तेज है गर्मी के साथ में। चक्कर खा के गिरेगा, आधार कार्ड है ना? ना वो डीएल हो हाँ कुछ कह दो, खड़ा हुआ नहीं जावे। देखो यहाँ लाइन इतनी लंबी लंबी लगी हुई है काफी सारी, और छत है नहीं किसी के ऊपर भी। तो टिकट के लिए यहाँ धूप में खड़ा रहना कम से कम 2 घंटे में नंबर आएगा। और भीड़ इतनी गंभीर है, आधा घंटे यहाँ धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, मजबूरी है अगर किसी को अंदर जाना है तो। बस भाई चलना है फिर अंदर है, मेरा इरादा नहीं अंदर, इरादा तो हमारा भी नेक नहीं है। हाँ ओए भाई बहुत ज़्यादा रश है। हाँ ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड एट ऑल। सो गाइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, धूप कितनी ज़्यादा है, और उधर टिकट काउंटर पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ना ही कोई धूप के लिए कोई इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है। सो आज अंदर जाना हमारा पॉसिबल नहीं है। सो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीकेंड के टाइम पे यहाँ मत आओ, अदर डेज़ में आप आ सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी। वीकेंड का टाइम है इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं वापस मेरठ के लिए। तो गाइस अभी हम रुके हुए हैं आगरा और मेरठ के रास्ते में, लगभग 100 किलोमीटर हम चले हैं, और ये हमारे हर्ष भाई का फोटो सेशन चल रहा है। तो इधर हाईवे है, और इस ढाबे पे हम रुके हुए थे। तो गाइस अभी आपने देखा कि ये कैसे कैसे नमूने मिलते हैं देखने के लिए हमें रोड पे। एक ये गाड़ी वाला अभी पेट्रोल पंप से निकल के सीधा रोड पे चला, ना ही साइड में देखा इसने कुछ नहीं, पीछे से कौन आ रहा है।
रहा है रोड पे, तो अभी हमें कहीं रुकना पड़ेगा। और कैमरे पर भी बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, तो बार बार ये भी साफ़ करना पड़ रहा है। लोगों की लाइटें ऑन हो गई हैं दिन में ही, अभी दिन का ही टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी धूप थी, अभी आंधी के साथ में बारिश का मौसम हो गया है। और अभी हम कोई सही सी जगह रुकने के लिए देख रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी रुक जाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में चलना खतरों से खाली नहीं होता। तो आगे देखते हैं कहीं सही सी जगह मिल जाए हमें रुकने के लिए। और अभी से ही अंधेरा हो गया है, तो चलिए अभी रुकते हैं और रुकते आराम से, जब ये मौसम सही हो जाएगा तब यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तो अभी गाइस हम यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, जैसे ही मौसम सही होगा तब हम आगे चलेंगे। तो सो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे हम, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।